सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज मैं जिस समस्या के विषय में बात करने वाला हूं, अक्सर यह समस्या सभी को होती है। वो समस्या यह है कि जब हमारे मन में डर की भावना आती है, फियर का इमोशन होता है, एंजाइटी आती है, तो आपके शब्द स्पीड में निकलते हैं और सारे शब्द में आप अटकते रहते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मन में डर की भावना नहीं आती, एंजाइटी भी नहीं रहती, आप उस जरूरी बात को एक्साइटमेंट में आकर के बताने लगते हो, तो आपको हर शब्द में स्टैमरिंग होने लगती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अरे यार, मेरे मन में डर की भावना भी नहीं आई, मैं जैसे ही बताने की कोशिश किया, मेरे शब्द क्यों नहीं निकले। दोस्तों, इस समस्या को समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि आप अपनी बाइक को हाईवे रोड पे चला रहे हो, अब फुल स्पीड में बाइक को चला रहे हो मस्त होकर के, और सामने एक ब्रेकर है और उस ब्रेकर को आप देख भी रहे हो, लेकिन आप उस ब्रेकर को देख करके अपने बाइक को ब्रेक नहीं मारते और ब्रेकर के ऊपर चढ़ा देते हो, आपकी बाइक लड़खड़ा जाती है और गिर भी जाती है। फिर आपको ज्ञात होता है, समझ में आता है कि मैंने गलती किया, इस ब्रेकर को देख करके अगर मैं ब्रेक मार दिया होता, अपनी गाड़ी स्लो कर दिया होता, ये ब्रेकर को मैं आराम से पार करता, मेरी गाड़ी गिरती भी नहीं। तो इसी तरह दोस्तों, आप किसी से बातें करो, अगर आपके मन में डर की भावना आ गई, एंजाइटी हो रही है, आपको स्पीड में कभी नहीं बोलना है। आप अपनी स्पीड को इतना स्लो कर दो, भले से आप एक एक शब्द में बोलो, लेकिन कभी स्पीड में बोलना ही मत। आप अगर एक एक शब्द निकाल करके बातें करोगे, भले से ही सुनने में सामने वाले को अजीब लगे कि इतना स्लो क्यों हो गया, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। जैसे ही आप अपने शब्दों को निकालते रहते हो धीरे धीरे, आपके अंदर फिर कुछ देर बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मेरे शब्द आराम से निकल रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। जिस तरह आपने ब्रेकर को पार करने के लिए पहले आपने ब्रेक मारा, ब्रेकर पार हुआ तो आप फुल स्पीड में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही डर का इमोशन आए दोस्तों, स्पीड में तो नहीं बोलना है, आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि बोलते समय हमारे मन में जैसे एंजाइटी का फीलिंग आए, डर का फीलिंग आए, हमें अपने स्पीड को कम कर देनी है और आराम आराम से बोलना है। आपने इधर से समझा है। आप अगर बाहर भी जाओगे, अपनी स्पीड को कंट्रोल भी करना चाहोगे, हो सकता है कंट्रोल हो जाए, लेकिन कंट्रोल नहीं होने वाला, उसकी वजह है। एक और उदाहरण पेश करता हूं, इस उदाहरण को आप समझ लो, फिर आप अपने ऊपर अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा और आपको सिखाने वाला भी कोई होगा, और आप जाते हो रोड पर साइकिल सीखने या तो खेतों में साइकिल सीखने, तो सिखाने वाला आपको प्रॉपर बोलता है कि देख तू साइकिल चला रहा है, लेकिन वहां पर एक गड्ढा है, वहां पर एक ब्रेकर है, तुझे वहां पर ब्रेक मारना होगा। तो आप बोलते हो चलो ठीक है, मैं ब्रेक मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही साइकिल चलाते हो और जैसे वो गड्ढा नजर आता है, तो आप ब्रेक नहीं मारते, उसी गड्ढे में गिर जाते हो, जानते हुए भी, देखते हुए भी। उसका कारण क्या है? हमें सब कुछ मालूम है, ब्रेक मारने तो भी गिर जाते हैं। जब आप गिरते हो तब सोचते हो आखिर मैं गिरा क्यों, फिर आपको समझ में आती है मैं ब्रेक नहीं मारा। फिर आप दोबारा ट्राई करते हो, फिर आप ब्रेक मारते हुए गिर जाते हो, फिर आप तिबारा चौबारा ट्राई करते हो,
फिर आप अच्छी तरह से ब्रेक मार देते हो। इसी तरह दोस्तों आप अपने ऊपर काम करिए, ऐसा नहीं कि आपने समझ लिया तो काम हो गया आपका। यही सब कर रहे हैं, YouTube में बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप इसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, बार बार बाहर जाइए, एंजाइटी का फीलिंग आइए, कंट्रोल स्पीड, एक एक शब्द अलग अलग करके बोलो। उदाहरण में पेश करता हूं, आपको इस तरह बोलना है, भाई एक पैकेट ब्रेड देना। आराम से एक एक शब्दों में, स्पीड में नहीं बोलना, अगर डर की भावना आ गई। नहीं तो डर की भावना आ गई, आपने स्पीड में अपनी बात को कहा तो गिरना ही गिरना है, आप नहीं बोल पाओगे। स्पीड को कंट्रोल करो, आराम से बोलिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम का लगा तो जरूर लाइक भी करो, लाइक को देखकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो आपके कमेंट का, आप कमेंट करते हो ना, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देता हूँ। कमेंट जरूर करिएगा और हो सके इस वीडियो को शेयर उन लोगों के पास करिए जो स्टैमिनिंग के कारण बहुत दुखी हैं। सभी का मंगल हो।